हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ लहसुन की चटनी। सर्दियाँ चल रही हैं तो कच्चा लहसुन खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है सर्दियों में, ये तो आप जानते ही होंगे। तो उसके लिए कोई भी हमें फालतू तामझाम नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे ले ली है, छोटे आकार की ही प्याज ली है, चार प्याज ले ली है, 10-12 लाल सूखी वाली मिर्ची ले ली है, और एक ये पूरी पोथी लहसुन की ले ली है, क्योंकि लहसुन की चटनी है तो लहसुन तो ज़्यादा हमारा लगेगा ही। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम प्याजों को इस तरह से पीस कर लेते हैं और जार में डाल देते हैं। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है इसको खाने से। सारी सब्जियां, दाल सब फीका लगता है इसके सामने, आप इसे जरूर बना करके देखिएगा। इसमें लहसुन डाल देते हैं पूरे, और जो हमने एक मिर्च ली थी उन्हें आप चाहें तो ऐसे तोड़ के भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही डाल दीजिए। इससे अगर हम इस चटनी को सिलबट्टे पे पीस के बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, पर हम आज इसे मिक्सी में बना रहे हैं। अब इसमें आप डाल लीजिए स्वाद अनुसार नमक, मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच ही नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दरदरी चटनी पीसी है मैंने, इसे ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, दरदरा पीसेंगे तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लगभग ऐसा लगेगा कि ये आपने सिलबट्टे पे पीसी है। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लहसुन की चटनी बहुत ही चटपटी बन करके तैयार हो गई है। आप इसे पूरी, पराठे, दाल चावल, मक्के की रोटी किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने का स्वाद ही बढ़ा देगी। तो आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।